लड़की की माता हैं, ये बताइए कि उस आरोपी साहिल के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को पहले से थी? नहीं, हमें कुछ से जानकारी थी। अच्छा, से मुझे कल थाने में पता चला कि साहिल नाम का लड़का मारा है। तो कुछ आपको आपकी लड़की ने आपकी बेटी ने बताया था पहले? नहीं बताया, कभी कोई जिक्र नहीं किया था? नहीं, मैं पूछती रही तो कुछ भी नहीं बताई कभी कि मैं जवान है। मैं भी पूछी अगर कोई तुझे पसंद हो तो भी बता, मेरी शादी करा दूंगी। बोली मेरी उम्र काम, मम्मी अभी मैं पढ़ूंगी। इतना बात मेरे से बोली। तो आप लोगों आपने क्यों पूछा था, कोई किसी तरीके का शक था क्या? नहीं, जैसे सहेली के साथ घूमती थी तो मैं बोली कि जो है बेटा किसी के साथ मत घूमा कर। तो बोली ठीक मम्मी अब नहीं घूमूंगा। कल इतना भी बोली मम्मी मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, सहेली के साथ भी अब नहीं जाऊंगा, ये भैया आ जाएंगे मैं सीधे घर रहूंगी अपने। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रही थी? 10वीं क्लास का पेपर दी थी। अच्छा, पेपर दिया था। उसके बाद ये बताइए कि ज्यादातर कहाँ रहती, अपनी सहेलियों के साथ में ज्यादातर उठना बैठना होता था या घर पे रहती थी? सर मैं काम करती, दिन में तो मुझे नहीं पता रहता था, शाम को आने के बाद मेरे पास आती थी। तब दिन में कौन देख रहा कि मतलब बच्चा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा। इस घटना की जानकारी कब मिली, जब उसके पर वार किया गया? मुझे शाम को 9 बजे एक लड़की आई बताने के लिए कि आंटी आंटी चलो जो है साक्षी कोई मार दे। मैंने कहा उसको, बल्कि गुस्से में बोला भाई कौन उसको मार देगा, अभी मेरे से 1:30 बजे बात हुई, कौन मार देगा, जा मैं नहीं जाऊंगी, तू झूठ बोल रही। इतना बोल के मैं फिर अपना काम करने लगी। तब सर पुलिस वाले आए, कह रहे चलो तुम जय भगवान के ऑफिस के। मैंने कहा सर किस लिए चलो, चलो तुम्हारा काम है। तब मुझे पुलिस वाले ले गए, ताकि मुझे बॉडी भी नहीं दिखाए। लेकिन आपको किसी तरीके के डर या शक नहीं था कि ऐसी घटना हो सके? हाँ, कल इतनी अच्छे से बात उसने करी तो कोई शक की कोई तौर तरीके नहीं था। वो कहाँ निकली थी, घर से कहाँ के लिए निकली थी? वो बाजार गई थी सामान लेने, कल बर्थडे मनाने के लिए। चप्पल उप्पल नया सर खरीद के पहन रखी थी, थाने में चप्पल गया कल ही। तो बर्थडे किसका था? नीतू की लड़की का। अच्छा, सहेली की लड़की का। अच्छा, वहीं के लिए सामान केक को खरीद के। बल्कि नीतू बोले कि बेटा चल रोटी बना लेते हैं, बोले अभी नहीं चलो बाजार से, बाजार में घूम के आते हैं तब रोटी बनाएंगे, तब बर्थडे मनाएंगे, केक कटेगा, इतना बोली है। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? उस आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, अब चाहती क्या है? मुझे इंसाफ चाहिए सर, फांसी चाहिए उसको। अगर जेल में बंद होगा तो फिर छूट जाएगा, आज मेरे साथ किया कल दूसरे साथ फिर करेगा वो, इस नाते उसको जो है सजा दो। पूरा नाम क्या है लड़के का? मैं सिर्फ ये परवीन, वो क्या नाम है साहिल, क्या नाम बोलते हैं साहिल, जो इतने वहाँ थाने में सुनी कि साहिल नाम है, ऐसे ही जानते। बस इतनी ही जानकारी वहाँ सुनी, आज सुनी गई हूँ, फिर थाने में बुलाया गया कि एक ही लड़का है उसको, उसका बाप थाने में बैठा हुआ, यही वजह से मुझे इतना बताया गया बस।